तीसरी ढाल भूमिका, तीसरी ढाल में हमको क्या पढ़ना है। आत्मा का हित सुख है, वह सुख निराकुलता में है, अर्थात जहाँ कुछ भी आकुलता नहीं है। ऐसे आकुलता से रह परिणामों का नाम सुख है, और वह सुख वह निराकुलता मोक्ष में है। इसलिए तृतीय ढाल में मोक्ष मार्ग का सांगोपांग विवेचन किया गया है। मोक्ष प्राप्ति का उपाय रत्नात्रय है, और वह निश्चय एवं व्यवहार के भेद से दो प्रकार का है। व्यवहार रत्नात्रय निश्चय रत्नात्रय का कारण है। पहले व्यवहार रत्नात्रय होता है, और व्यवहार रत्नात्रय का जब निर्दोष रीति से पालन करता हुआ कोई जीव निज में डूब जाता है तो वह निश्चय को प्राप्त होता है। इसीलिए व्यवहार रत्नात्रय को निश्चय रत्नात्रय का कारण कहा जाता है। मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कराने वाले सम्यक्त के विषयभूत सातों तत्वों का कथन, अजीव तत्व के अंतर्गत षट द्रव्यों के लक्षण, आठ अंग आठ मद और छह अनायतनों के लक्षण तथा सम्यक्त उत्पत्ति के कारण जिनेन्द्र देव परिग्रह विन गुरु और दया युक्त धर्म आदि को कहकर उसका प्रयोजन समझाया गया है कि बिना जाने दोषों का त्याग और गुणों का ग्रहण कैसे हो सकता है। अंत में मनुष्य पर्याय को सफल बनाने हेतु सम्यक्त धारण करने की प्रेरणा दी गई है। इन सब विषयों में हम इस ढाल नंबर 3 में चर्चा करेंगे। व्यवहार रत्नात्रय निश्चय रत्नात्रय, निश्चय रत्नात्रय में कारणभूत सात तत्वों का वर्णन, उसके अंदर जीव और अजीव द्रव्य का बहुत विस्तार सह वर्णन किया गया। सम्यक दर्शन के 8 गुण 8 दोष और 25 प्रकार के दोषों का विस्तार से वर्णन करते हुए सम्यक तो उत्पत्ति पर क्या क्या जीव के साथ घटित होगा, कैसे कैसे उपलब्धियां उसे प्राप्त होंगी, कहां अब वह जन्म नहीं लेगा, इन सब महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख तीसरी ढाल के अंदर किया गया। ये तीसरी ढाल हमारे आत्मकल्याण की पहली सीढ़ी है। जो अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है, वह निराकुलता के स्वरूप मोक्ष की ओर गमन करना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले प्राप्त करने योग्य है सम्यक दर्शन। उसका वर्णन इस ढाल के अंदर किया जाएगा।